हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के बज रहे हैं 11:30 और सब सो के उठ चुके हैं। चाय नाश्ता हो चुका है और उसके बाद मैं सो के उठाऊँ। क्या हाल चाल है भांजे? है भांजे। तो गाइस, कल जीजा जी आने वाले हैं। जीजी को, भांजे को, भांजी को वापस लेने के लिए। बहुत घूम ले बेटा, 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं? संडे को चले जाओगे अब तो। उसका इसको सदमा लगा हुआ है। ये जीजी से कहता है कि मम्मी मेरे को ना यहीं रहना है, मेरे को लेके मत जाओ। हाँ जीजी, क्या कह रहा था उस दिन ना, 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 पहले? ना, अब ना। तुम यहीं रहो, बैग तुमने वाला बैग कह बाहर क्यों निकाल लिया? रहे, तुम यहीं रहो, बैग बाहर क्यों निकाल लिया? बैग अंदर रखो। बैग जब तक अंदर है तो दीदी नहीं जाएगी। बैग बाहर निकाल लिया तो इसका मतलब जाने का प्रोग्राम हो गया। और नए कपड़े मत बनाओ। तो ऐसा करो, पापा को फोन करके कह दो, पापा हम नहीं आ रहे। हाँ, आना मत, कह दोगे? तो सदमा लगा हुआ बेचारा, देखो ऐसे बैठा हुआ है। टेंशन टेंशन। अरे बेटा, 2 दिन तो मस्ती और कर ले, हो जाना तो है ही है। झुकेगा नहीं साला से बोलना पापा के सामने। झुकेगा नहीं साला, जाएगा नहीं साला। जाना पड़ेगा साला, देगा से जाएगा नहीं साला। पापा जाना पड़ेगा। साला नहीं बोलना है, जाएगा नहीं पापा, देखो चीर देगा। तो देख लो, भांजे और भांजी का प्यार मेरे से इतना है कि उनका घर छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है ना। तुमसे इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, तुम भी जाओ। तो गाइस, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अब खाना खाने का टाइम हो गया है। सब नहा धो चुके हैं स्वाति को छोड़ के। देखो नहा लिया, मम्मी दिखाओ चेहरा। नहा लिया, नहा लिया, नहा लिया, नहा लिया। इधर दिखाओ। तुम नहाने के बाद भी ऐसी लगती है, बिना नहाए भी ऐसी लगती। मैं भी नहा चुका हूँ और मेरे खुशी के आंसू आ रहे हैं, मेरी आंखें अपने आप रो रही हैं खुशी के मारे कि आज अंकुश ने नहा लिया 4 दिन बाद। मेरे पता है एक कमेंट आया था कि मेरे से करोड़पति में एक सवाल पूछा गया कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो नहीं नहाता। 5 करोड़ का क्वेश्चन था, उसने आंसर नहीं दिया। देख लो, समझ रही हो, मेरा नाम नहीं लिया उसने। कह रही मैं 5 करोड़ रुपए हार गई लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया। थैंक यू मैम। देखो कैसे लेटा है मोती। मोती बेटा, तुम्हारे लिए तो लाए सोफा। हाँ लेटो, आराम से लेटो बेटे मेरे। मोती मतलब देखो, हाथ से चावल खा रही है तो मामी का असर पड़ रहा है बेटा। है सिखाए दो भांजी को भी। मम्मी ने हाथ से खाए? नहीं, चम्मच से। देखो सीखो, पर चावल हाथ से ही खाने चाहिए। पापा को देना चावल, कहना पापा हाथ से खाओ। तो गाइस, जीजी 10-12 दिन रह गई, बहुत रह गई। कल परसों में जीजा जी आने वाले हैं। तो ऐसा होता है कि जब आपके रिश्तेदार या कोई भी फैमिली मेंबर जब आपके घर में पहली बार आता है तो उसको कुछ ना कुछ दिया जाता, मतलब कपड़ों में। तो अब मेरी शादी हो गई है तो अब जीजी हमारे घर आई है। सही बात है। तो जीजी को भी कपड़े दिलाने पड़ेंगे, बच्चों को भी दिलाने पड़ेंगे, सही बात है। तो स्वाति, सस्ते वाले दिलवा देना। सस्ते वाले कपड़े नहीं होते हैं क्या? नहीं, कपड़े होते हैं, सही। तो वो भी अच्छे होते हैं। 150 वाली 3 दिलवा, 4 ले आओ। चोर बाजार में तो 20-20 की मिलते हैं। ये तू चोर बाजार में करने क्या जाती है बता? तू चोर बाजार से कपड़े खरीदती है? मैं जा ही नहीं पाती, मैं सुना है। सुना है, जीजा जी बताते होंगे तेरे को? नहीं, जीजा जी सुनाते होंगे। सरोजनी नगर से लाती है ना। हाँ तो सरोजनी नगर की बात अलग है, चोर बाजार क्यों बोला? नाम सुना है मैंने। तो जीजा जी भी आ रहे हैं, जीजा जी के लिए भी ले आना है। तो क्या क्या शॉपिंग करके लाई? समोसा बस। तो जब भी मम्मी मार्केट जाती हैं, समोसे जरूर आते हैं घर में। देखो आज भी आए हैं, वेरी गुड, खाओ। तो गाइस, आज मैंने मम्मी और स्वाति और जीजी को 4,000 रुपए दिए थे शॉपिंग करने के लिए। मम्मी कितने बचे? सब खत्म हो गए, एक भी नहीं बचे, सामान आ गया सर। ये बात मुझे पता थी, मैं 3,000 रुपए देने वाला था। 3,000 देता तो भी एक भी नहीं बचता, 4,000 दिए तो भी एक भी नहीं बचा, और अगर मैं 5,000 दे देता तो भी एक भी नहीं बचता। सही कह रहा हूँ ना स्वाति? जीजी कह रही है 10,000 देते तो भी नहीं बचते। देख लो, ये अत्याचार मैंने पापा के ऊपर होते हुए देखा है।
पापा पहले जितने पैसे दे देते थे सब खर्च जाते थे, अब मेरे ऊपर ये नया नया शुरू हुआ है। तो मैं मेरी शुरुआत है ना, सही बात। किस किस के साथ ऐसा होता है कि मम्मी पैसे मांगती है सामान के लिए, आप जितने देते हो सारे खर्च हो जाते हैं, और आपको कहने को क्या मिलता है कि बच जाएंगे तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन बचता नहीं है, वो भी सामान आ जाता है जो खरीदना ना हो। नहीं, जो खरीदना होता है वही तो सामान लेती है। घर से तो सोच के नहीं गई थी ये डलिया लेनी है आपको। हा? क्या कर दिया मोदी जी ने? सही, मतलब पहले जाते थे तो पहले 500 के चलते थे, तो पापा 1000 रुपए देते थे, अब सीधे 2000 कर ले, 2000 है ले जाओ। अब तो एक ही नोट जा रहा है, ले जाओ पापा जी। ऐसा आपके साथ पहले हुआ है ना कि मम्मी जितने मांगती थी वापस मिलने होते नहीं थे, वो तो आपको पता ही है। अब ऐसा मेरे साथ भी शुरू हो गया, क्या किया जाए? ऐसा ही करते हैं बेटा, सारे ले लीजिए, शुरू हुई अभी तो कहानी शुरू हुई है। अच्छा, तो ये अत्याचार कब तक चले? अभी तो कहानी शुरू हुई है, तो ये सौरभ भैया की भी शादी नहीं, सौरभ भैया ट्रेनिंग ले रहे हैं। टिकटॉकर से शादी मत करना भाई, लड़की कोई होता है वो टिकटॉकर हो या ना हो, हालत वही होनी चाहिए। पैसा चाहे जितना खर्च हो जाए लेकिन लास्ट में जो ये समोसा खाते हैं ना, सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। आ जाओ खा लो, बच्चे का छीन लिया। मम्मी ये भगवान लेके आई है और इसमें मेरा नाम लिखा होगा, देखते हैं, दिखाते हैं आपको, अंकुश सक्सेना। ओहो क्या बात है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि कई बार मम्मी सामान लेके आती थी तो उस पे पापा का नाम लिखवाती थी। मैं मम्मी से कहता था मेरा लिखवा दो, मम्मी क्या कहती थी, जब अपने पैसे का खरीदना तब लिखवाना। मेरा नाम है अंकुश सक्सेना। तो मम्मी मार्केट से ये लेके आई है, ये भी लेके आई है। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू मामा, थैंक यू मामा। ओते क्या बात है भांजे। तो गाइस रात के 10:30 हो चुके हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है। आज बने हैं अरहर की दाल और बैगन आलू की सब्जी। आ जाओ जिस जिसको खाना है, बाद में मत कहना बुलाया नहीं। तो गाइस रात के 11:30 हो चुके हैं, अब सोने का टाइम हो गया है। स्वाति हो चुकी है ढेर, ये इसको वैसे तो कहती है कि मेरे को आपके बिना नींद नहीं आती, आपके बिना नींद नहीं आती, वो तो बस कहने की बात है, पहले ही सो गई देख लो। मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा था वीडियो, एडिट ख़त्म हुई इतने में देखा कि तो सो गई, अब मेरे को भी सोना पड़ेगा, तो चलते हैं सोने। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जग गई, जग गई, अब सो जा, चलो ओ लग गई, सो जा, सो जा, सो जा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।